कोयले के कारोबार और सरकारी ठेकों में दखल के साथ ही जिला जेल में मुख्तार अंसारी के गुर्गों की पिटाई चेतगंज थाने के स्ट्रीटर अवधेश राय की हत्या की अहम वजह बने थे। हत्या सहित अन्य आपराधिक आरोपों में दर्ज 19 मुकदमों के आरोपी रहे अवधेश राय का दबदबा वाराणसी से गाजीपुर होते हुए पूर्वांचल में तेजी से बढ़ रहा था। 90 के दशक में मुख्तार अंसारी गिरोह ने बनारस में पैर पसारना शुरू किया तो उनकी राह में दबंग के अवधेश राय एक बड़ा रोड़ा थे। मुख्तार अंसारी गिरोह बनारस के व्यापारियों से रंगदारी मांगता था तो अवधेश राय ढाल बनकर खड़े हो जाते थे। नतीजतन अवधेश राय को रास्ते से हटाने की साजिश रचकर सुनियोजित तरीके से 3 अगस्त 1991 को उनकी हत्या उनके घर के सामने ही कर दी गई। दरअसल साल 1990 में अवधेश राय और एक पूर्व MLC के बड़े भाई वाराणसी की जिला जेल में बंद थे। उस दौरान मुख्तार अंसारी के गिरोह के कुछ सदस्य भी इसी जेल में थे। पूर्व MLC के बड़े भाई से मुख्तार अंसारी के गुर्गों से किसी बात पर नोकझोंक हुई और बात मारपीट तक पहुंच गई। पूर्व MLC के बड़े भाई ने अवधेश राय से मदद मांगी। इस पर अवधेश राय ने मुख्तार अंसारी के साथियों की सलाखों के पीछे जमकर पिटाई की। इस घटना के बाद मुख्तार अंसारी इस कदर खार खाया कि अवधेश को ठिकाने लगाने की ठान ली। पहले रेकी कराई गई, गोली मारकर अवधेश की हत्या कर दी गई। इसके बाद बदमाश अपना वाहन छोड़कर गलियों से ही होते हुए भाग निकले। न्यायालय में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अवधेश राय पर हत्या सहित अन्य आपराधिक मामलों में दर्ज 19 मुकदमों को अपना ढाल बनाया था। न्यायालय में अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से चेतगंज थाने में दर्ज 10, सिगरा थाने के 6 और कैंट के 2 और शिवपुर में 1 मुकदमे का विवरण भी प्रस्तुत किया गया था। इसमें मुख्तार की ओर से ये कहा गया कि अवधेश राय का आतंक समाज में व्याप्त था और उनके कई दुश्मन थे। इस घटना से पहले दुश्मनों ने मृतक के विरुद्ध कई मुकदमे दर्ज कराए थे। सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी के पक्ष ने खुद के बचाव में ये कहा था कि अवधेश राय की रंजिश उप नगर प्रमुख अनिल सिंह से थी, ऐसे में अनिल सिंह ने ही अवधेश राय की हत्या कराई होगी। इसमें बचाव पक्ष ने ये भी तर्क दिया था कि अवधेश राय की हत्या के बाद अनिल सिंह की हत्या हुई, ये दोनों गैंग के बीच बदले की कार्रवाई थी। हालांकि अदालत ने साक्ष्य के अभाव में इस तर्क को आधारहीन माना है। न्यायालय में अभियोजन ने ये साबित किया कि घटना के बाद अभियुक्त मुख्तार अंसारी फरार हो गया था। उसके खिलाफ CRPC की 82 व 83 की कार्रवाई भी हुई थी। न्यायालय ने मुख्तार अंसारी के इस व्यवहार को साक्ष्य माना है और अपराध सिद्ध करने में इसे सुसंगत तथ्य के रूप में स्वीकार किया है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। मन से उजाला कर चले।